हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो मैंने आज सेट नंबर 5 एंड 7 दिया था प्रैक्टिस मॉक से। सो अभी भी थोड़ा भी मतलब और ज़्यादा इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। अभी भी स्पीड नहीं बन रही है और एक्यूरेसी भी थोड़ी हैम्पर हो रही है। तो ये सेट नंबर 5 का रिजल्ट रहा। मेरा जो स्कोर रहा वो रहा 86.5 एंड मेरा जो परसेंटाइल है वो 87.67। एक टाइम था हम भी 97% रहते थे। कोई बात नहीं, अभी देखते हैं होता है कि नहीं आगे। तो एक्यूरेसी अच्छी है बट स्कोर अभी भी इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। लाइक 92-93+ स्कोर रहना ज़रूरी है एग्ज़ाम में, ठीक है। एग्ज़ाम में तो सॉरी 95+ रहना ज़रूरी है। अभी इस एग्ज़ाम में मतलब जो मॉक टेस्ट में भी 90+ रखना ज़रूरी है। तो मैंने यहाँ पर टोटल 94 अटैम्प्ट किए थे जिसमें कि 6 इनकरेक्ट हो गए। तो आई थिंक ये सबसे ज़्यादा इनकरेक्ट तो इंग्लिश में 3 हुए हैं और न्यूमेरिकल एबिलिटी में 1 हुआ है, मतलब रीजनिंग मेरे 2 इनकरेक्ट हुए हैं। ये मेरा हमेशा टारगेट रहता है कि रीजनिंग में 35 out of 35 मेरे ऊपर 100% एक्यूरेसी के साथ रहे। कभी कभी होता है, कभी कभी नहीं भी होता है। सो एनीवेज, तब नेक्स्ट में चलते हैं सेट नंबर 7 में। इसमें थोड़ा मार्क्स मेरे अच्छे हैं, इट्स 90.25 और परसेंटाइल लेकिन इतना है। इसका मतलब जो है पेपर जो था वो बहुत ही ईजी था, ठीक है। तो एक्यूरेसी इसमें थोड़ी बेटर हुई है और 94 मैंने अटेम्प्ट किए थे उसमें से बस 3 इनकरेक्ट हुए हैं। तो देखते हैं वो कौन कौन से सब्जेक्ट में इनकरेक्ट हुए हैं। तो अगर हम देखते हैं इंग्लिश का तो वहाँ पे मेरे 2 इनकरेक्ट हुए हैं और फिर मेरा मैथ्स में शायद हुआ होगा या फिर रीजनिंग में हुआ होगा। नहीं, मैथ में सारा कुछ करेक्ट है, मतलब रीजनिंग में मेरे इनकरेक्ट हुए हैं 1। तो ये था टोटल। तो यहाँ पे देखेंगे तो ठीक है, तो ये था मेरा टोटल पेपर, ठीक है। और पता नहीं यार ये हमारा जो RBI वो इतना सस्पेंसिव कब से होने लगा है, ठीक है। मतलब अभी तक वो बस लिंक छोड़ के रख दिया है कि नहीं अभी आएगा आएगा आएगा, बट अभी तक उसका एडमिट कार्ड नहीं आया। पता है कि 26-27 को होगा लेकिन पता तो चले कौन सी छुट्टी में है तभी मैं छुट्टी ले पाऊँ। तो एनीवेज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। एंड कितना आपका स्कोर बन रहा है टेस्ट वगैरह में लेट मी नो कि मैं कितना पीछे हूँ आप लोग से, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड कल मैं एक वीडियो डालूंगी आपका, एक लास्ट वीक कैसे पढ़ना चाहिए लास्ट वीक कैसे पढ़ना चाहिए RBI असिस्टेंट एग्ज़ाम के लिए, मतलब मैं क्या क्या करने वाली हूँ, ठीक है। मैं और 4 से 5 सेट देने की कोशिश करूँगी, ठीक है, अभी लास्ट वीक में। सो लेट्स सी, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड गुड नाइट।